ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। शेखपुरा जिले में लोजपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इमाम गजाली ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीफ रिजवी द्वारा मुस्लिम धर्म का पवित्र कुरान पर दिए गए बयान को दिवालिया बताया और कहा कि करोड़ों रुपए का गबन करने के बाद धर्म ग्रंथ के खिलाफ बयान देकर बचना चाहता है, जिसकी निंदा की जाती है। लोजपा नेता ने कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया जाना न्यायोचित नहीं है। सोने का तरीका हर मजहब और उसके अंदर मैं बता दूं आपको, कुरान शरीफ ये हम लोग को सबक सिखाता है कि कैसे दूसरे धर्मों की आप इज्जत करें, मान सम्मान करें। कुरान शरीफ पे जो अमल करेगा वो एक सच्चा पक्का मुसलमान होगा। और ये वसीम रिजवी क्या बात करेगा, ये शैतान, इस पे करोड़ों रुपये का इल्ज़ाम है, घोटाले का। ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वहाँ यूपी का, सीबीआई ने भी इसको चार्जशीट दर्ज दाखिल किया है। ये भटकाने के लिए इसने मुद्दा किया, और ये भटकाने वाला मुद्दा किसी भी, मैं रामायण के बारे में बोल दूँ, भगवान न करे कभी ऐसा हो, मैं महाभारत के बारे में बोल दूँ, और ये तो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ के बारे में बोलना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहिए। धार्मिक, और ये कुरान शरीफ के जो एक हमारा कुरान है वो सीने में दफन होता है हाफिज़ कुरान को, एक एक बिंदु तक वो उनके पास, आप देखेंगे जो तरावी होती है रमज़ान में कुरान की, एक एक बिंदु तक वो सुनाएंगे, आपको भी सुना होगा आपने। तो कुरान शरीफ के बारे में बोलना, उस शैतान को मैं इस शेखपुरा की सरजमी पर लाऊँगा, मैं परिवार दाखिल करने जा रहा हूँ। इमाम गजाली, मैं बता दूं आपको, इस वसीम रिजवी को मैं शेखपुरा की धरती पर ज़रूर मैं लाऊंगा और इस अदालत में करूँ खड़ा। देखिए आरजेडी की बात मैं क्या करूं, आरजेडी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट इस्तेमाल करने की एक वो मशीन है, चाहे आपके धर्म पे, चाहे मुसलमान के ख़िलाफ़ बोले, चाहे मुसलमान को बेइज्जत करने की बात हो, चाहे हमारे रसूल के शान में गुस्ताखी की बात हो, चाहे नौज़ बिल्लाह कुरान की चंज करने की बात हो, ये आरजेडी ऐसा बंद मुँह किए हुए हैं कि इनको लगता है इनके बस ये है, इनके एक सत्ता का भूख है इनके अंदर, और सत्ता का जो भूखा इंसान होता है वो कभी भी इंसाफ की नहीं बात करता, वो बात करता है कि कैसे मेरा उल्लू सीधा हो। और रहा सवाल कुरान का, मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। इमाम गजाली मर सकता है लेकिन कुरान में फेरबदल करने वाले को के सामने कभी सर नहीं झुका सकता है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता।